बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की ज़ुआमान में रहें, आमीन। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फातिमा। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है सेम की फली। इसको हम कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊँगी आलू के साथ। मेरी फेवरेट रेसिपी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सेम की फली ली हमने आधा किलो, इसको छोटे पीस में काट लेंगे। टमाटर चाहिए एक पाव, आधा किलो आलू चाहिए, इसको क्यूब की शक्ल में काटेंगे। सबसे पहले सेम की फली को बॉईल करेंगे, इसको एक बॉईल में उतार लेना है। जब तक ये बॉईल होती है, इधर हम मसाला रेडी कर लेते हैं। एक कप तेल के अंदर प्याज शामिल करेंगे, दो आदद मीडियम साइज की प्याज ली थी, और साथ ही शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। और इसके बाद शामिल कर देंगे जीरा 1 टेबल स्पून। अच्छी तरह भूनेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि हमारी प्याज गोल्डन हो जाए। व्यूअर्स, प्याज गोल्डन हो चुकी है। इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर को भी भूनेंगे। टमाटर में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पानी में गल जाएगा। साथ ही मसाले शामिल कर देंगे। मसाले में मैंने लिए कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, और नमक हंस पे जायका शामिल करके अच्छी तरह भूनेंगे। जब तक हमारा ये मसाला पक रहा है, इधर हम सेम की फली को चेक कर लेते हैं। सेम की फली को सिर्फ एक बॉयल में उतार कर छान लेंगे। इधर मसाला देखते हैं, मसाला रेडी हो चुका है। इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें 3 से 4 अदद चॉप करके। अच्छी तरह मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे आलू। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और सेम की फली भी इसमें ऐड कर देंगे। सेम की फली हमने शामिल कर दी, जो हमने एक बॉयल पे उतार के छान के रख दिया था। एक गिलास पानी डालकर मीडियम आंच पे पकाएंगे, जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको भून लेंगे अच्छी तरह। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो समझिए डिश हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार डिश बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।